प्रोसेस में दो लोग विदेश देख के आएंगे, क्या करके आएंगे, ताकि आपकी सिक्योरिटी व्यवस्था सारी देख के आ जाए, बाकी सर ने जो बताया है। दोस्तों दिल से करना है वैसे ही, दिमाग से नहीं करना। कहाँ से करना है? दिल से। सिस्टम अपनाना है, सीएनटी में आना है, वीआईपी में जाना है, सेमिनार में जाना है, और लगातार अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के टच में रहना है, क्योंकि जो अपलाइन आपको सिखा सकता है वो आपका रिश्तेदार नहीं सिखा सकता, आपका जानकार नहीं सिखा सकता। आपके घर में चाय बदलने से, पेस्ट बदलने से, साबुन बदलने से अगर 5 लाख रुपए महीने आने लगे, कोई प्रॉब्लम है? नो। अगर प्रॉब्लम है तो मैं एक डॉक्टर साहब का भी नंबर रखता हूँ कि भाई ये आपका पेशेंट है। चाय बदलने से आपके घर में पैसा आ रहा है, इनको दिक्कत है, बदलनी पड़ेगी, बदलनी तो पड़ेगी। प्लान नहीं समझ में आ रहा, 4 बार सीख लीजिए, 5 बार सीख लीजिए, लेकिन वेस्टी चालू कर दीजिए, अपने लिए नहीं। मैंने श्रेष्ठा सर से एक वादा किया था जब ज्वाइन कराया था, सर 30 सितंबर सर मैं आपके लिए वेस्टीज आपको नहीं समझा रहा, आपके बच्चों के लिए आपको वेस्टीज समझा रहा हूँ, हाँ या ना? कैसा सर मेरे साथ थे सर, यही बात हुई थी सर, बच्चे आज साथ हैं, कैसा लग रहा है सर? जबरदस्त। वो वादा पूरा होने जा रहा है, रास्ता तैयार हो रहा है, मैं अपनी तरफ क्लियर हूँ, तो मेरे लिए तालियां बनती हैं। तो बस दोस्तों जिसको जो भरोसा दो वो पूरा करना है, क्या करना है? अगर आपने बोला जी आपका 1 लाख रुपए महीने आएगा, जब तक 1 लाख नहीं आएगा तब तक पीछे पड़े रहना है, तब तक पीछे। और जब मेरी टीम में 100 लोग 1 लाख वाले हो जाएंगे, मेरा जो टारगेट है सर 8 दिसंबर 2018 को पूरा करेंगे, टीम में 50 कारें चाहिए, कितनी कारें? 50। 2018 इस साल के अंदर 3 आ गई है, 3 आ गई है। अच्छा जो कार ले रहा वही तो दिला सकता है, पहली बात क्लियर। दूसरी, जो कम से कम 100 लोग चाहिए अगली बार विदेश ट्रिप पे, कितने लोग? 100। जो विदेश जा रहे हैं वही तो बता सकते हैं, हाँ या ना? और 100 लोग ऐसे चाहिए, कितने लोग? 100। बल्कि अब आंकड़ा ये मैंने बढ़ा दिया है, कल तक 100 था, अब मुझे 1000 लोग चाहिए, कितने लोग? 1000 लोग 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले, जो हमें इसी साल में तैयार करने हैं। सर तैयार हैं आप लोग मेरे साथ में? 1 साल के अंदर 1000 लोग तैयार करने, 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले। अगर 1 लाख रुपए चाहिए तो वेस्टीज में आना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा? वेस्टीज में। और हम अपने शर्तों पे जो भी काम है हम तैयार हैं, और नवीन जी तैयार हैं, केशव जी तैयार हैं, और अरविंद जी तैयार हैं। मैं चाहूंगा अरविंद जी एक बार मार्गदर्शन करें, क्योंकि बहुत साथ दिया है। जब धर्मेंद्र रोता था सर कार चाहिए, चलो यार तुम्हें दिला देता हूँ कार। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। देख रहे हैं आप लोग, मुझे लग रहा है बोलने की जरूरत क्या है, क्योंकि बोला वहाँ जाता था दिखता नहीं है ना, या तो सब कुछ बोले आम दिख रहा है तो बोलने की जरूरत है। अदर कई कंपनियों में बोलते खाली होता कुछ नहीं, हम यहाँ बोलते कम में होता कुछ ज़्यादा ही। देख रहे हो आप हर महीने एक एक कार आ रही है, हर महीने एक कार आ रही है, तो वही 2 साल पहले डिसीजन लिया, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और यार सबकी कार आएगी, आज यहाँ करीब 100-150 लोग आए होंगे, है ना, 100 लोग से तो ऊपर ही होंगे। अब ये 100 के 100 लोग यदि आज ठान ले कि मुझे कार चाहिए, तो क्या लग रहा है 1 साल में उनकी कार आएगी? Yes। यदि 1 साल में नहीं है तो 1.5 साल में क्या होगा? आएगी ना भाई, आएगी तो सही। Yes। लेकिन ठान के जाना यहाँ से कि जी यहाँ आना है और यहाँ ऐसे ही कार खड़ी करके ऐसे ही सेलिब्रेशन करवाना है। आज 2 कार आई, अगली बार इतनी कार आएगी, इसमें खड़ी होने की जगह ही ना, 3 आई है, 1 बाहर भी है, ठीक है। तो यह हम लोगों के लिए देखिए कितनी खुशकिस्मती की बात है, ऐसी कंपनी मिली है जहाँ से सबके सपने पूरे हो रहे हैं, सबके हो रहे तो आपके भी होंगे, बस डटे रहेंगे तो किंतु परंतु छोड़ के आग बंद करके लग जाइए। देखिए इनकी आ गई, इनकी आ गई, इनकी आ गई, मेरी अगले महीने 16 फरवरी को आ रही है, सबकी आएगी, सबकी डेट सबकी फाइनल पहले से होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ हर महीने हमारी टीम में एक कार आए, फरवरी में मेरी आ रही है, आपकी भी वहीं से आएगी ना, यहाँ से भी आएगी? नहीं तो उसकी जगह थोड़ी चाहिए, पूछना चाहूँगा मेट्रो से निकाला, मेट्रो के नीचे अच्छा, वो भी मेट्रो से कनेक्ट है ताकि लोगों को आने में सुविधा ना हो। और मैं चाहता हूँ मार्च में भी एक आए, अप्रैल में भी आए, हर महीने एक आनी चाहिए, तथास्तु, तथास्तु, ठीक है। और देखिए हमारे लिए कितनी टाइम चल रहा, हमारे को एक ऐसे मेंटर मिले जो अभी हरीश अरोड़ा जी आए थे, कोई प्लान नहीं था, लेकिन देखिए अब सोचिए 17 साल में नेटवर्किंग करके बंदा आके वैसे चीज कर रहा है, किसी के यहाँ जितने लोग हैं किसी जान पहचान 17 साल के किसी नेटवर्कर से नहीं है ना, जब वो बंदा आके कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते, ज़्यादा समझा रहे झूठ के। तो मैं तो यही कहूँगा लग जाओ आप, तो मैं तो छोड़ दो, आज तक जो हुआ कहानी खत्म, आज से शुरू, 1 साल 2 साल में आपकी कार आ जाएगी, रिसीव वेलकम।
सर अंदर की फीलिंग जानना चाहूंगा केशव सर की, क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सर को सुनना चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां केशव सर के लिए। हां यस, दोबारा बनाएंगे मेरे फोन में। इधर आओ, आइए सर, आप भी आओ, दोनों एक साथ खड़े हो, दोनों दूल्हे एक साथ, तीनों सर बड़ा आज के दूल्हे आप लग रहा है अब तो पुराने हो गए। अपनी अपनी मनपसंद कार चला रहा हूँ, एक लग्जरी कार चला रहा हूँ, राइट, बहुत मजा आ रहा है और ये फीलिंग आपको भी आएगी जब आप चलाएंगे, राइट। तो ये सभी की आने वाली है, बस कमिटमेंट के साथ। हरी सर ने भी कहा कि 2-3 साल लगे रहना है। सर ने क्या बात कही कि इस टीम के जोश को देख के लगता है कि यहाँ पे 100-200 कार आराम से फटाफट इसी साल आने वाली, बोला ना, और सबसे तेज चलने वाली टीम है या नहीं। yes. अगर सर ने हमें कहा है तो आएगी या नहीं आएगी, आएगी। yes. ये तो शुरुआत है सर, ये क्या बोलते हैं वो, मुंह दिखाई। ये तो मुंह दिखाई है, अभी तो सिलसिला तो शुरू होने वाला है, राइट। हम सभी की गाड़ी आएगी कमिटमेंट के साथ, अपनी डेट डिसाइड कर लीजिए कब लेनी है। सर ने कहा हर महीने लेनी है, मैं कहता हूँ जिस हिसाब से हम लोग का यहाँ पे जुनून दिख रहा है ना, हर महीने एक नहीं, हर महीने 5-5 कार आएगी है या नहीं। yes. आएगी या नहीं आएगी, आएगी। सब अपनी डेट डिसाइड कर लीजिए, पक्का आएगी और टाइम से पहले आएगी। मैंने अपनी डेट डिसाइड करी थी अगस्त 2018 की, उससे एक साल लगभग 8-9 महीने पहले आ गई, नहीं आ गई। yes. सर ने भी डिसाइड करी थी उससे भी पहले आ गई, नहीं आ गई। सर ने मई की डेट थी, मई में डिसाइड करा था पहले आएगी नहीं आएगी। तो आप डेट डिसाइड करें, उससे पहले तो ऑटोमेटिक आएगी इस बिजनेस, राइट। शानदार बिजनेस है, शुरुआत कीजिए टीम के साथ, शुरुआत कीजिए, प्लान सीखिए, दूसरों को सिखाइए, और इसी के साथ थैंक यू विश्व। और हमारे बड़े भैया भी बोलता हूँ नवीन जी को, मैं प्यार से बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, एक बार सुन लेते हैं अंदर की बातें। आज दोबारा शादी हो गई है वेस्टीज के साथ। दूल्हा तो बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ बुलवाना पड़ता है। दूल्हा बोलता नहीं है शादी में, उसको साइड कर दिया जाता है, धूमधड़ाम कोई और करता है, करता है ना। तो इतने सारे धूमधड़ाम करने वाले हैं, मैं क्या बताऊँ, यह फीलिंग क्या हो रही है, शायद लाइफ में सोचा नहीं था। मैं अपना भी बिजनेस किया, उस बिजनेस से ज़्यादा सोचता तो 2-3 लाख का पुरानी कार ले पाता, उससे ज़्यादा नहीं संभव था। लेकिन यहाँ आज एक ड्रीम के, ये जो काम है ड्रीम के लिए हो रहा है, वहाँ बाहर गुजारा के लिए होता था, यहाँ ड्रीम पूरा करने के लिए काम होता है, और उसी का नतीजा है कि इतना कम समय में हमारे साथ कार आया, और कार भी आया तो 10 लाख तक का कार आया, आप सोचिए, यही चीज। लेकिन उसके लिए क्या करना है, ठानना जरूरी है, उसके लिए ठानना जरूरी है। हम जुड़े हैं, सोच रहे हैं, होगा जी, देखता हूँ, कर लूँगा जी, तब नहीं हो पाएगा। हमें चाहिए तो चाहिए, डर आपको लगना चाहिए। यदि आपने किसी को बता दिया कि हम कार ले रहे हैं और ये नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके अंदर डर होनी चाहिए कि मैं सामने वालों को क्या दिखा पाऊंगा। और जिस दिन आपके अंदर डर पैदा होना शुरू हो गया, उस दिन आपकी कामयाबी आगे बढ़ती जाएगी और जल्दी जल्दी कार आएगी। लेकिन डर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डेट फिक्स करना पड़ेगा, डेट फिक्स करके फोटो चिपकाना पड़ेगा, फोटो चिपका करके उस पर काम भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ फोटो चिपक गया है, ठीक है आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं। आप अपने आप से कहते हैं, सबसे बड़ा जो रोल है आपका है, आप यदि सोचेंगे तभी आएगा, आप यदि उस पर काम करेंगे तभी आएगा, नहीं करेंगे तो शायद नहीं आ पाएगा। तो मैं आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि तन मन धन कुछ भी हो लगाइए, और लगा करके जहाँ आपको कमी हो रही है, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, समझ के, और इस काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बढ़ाएंगे तभी मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ विशी वेल। नवीन जी को, केसर जी को एक बात बोलना चाहूँगा, और अरविंद जी को, बिकॉज ये तीनों मेरे अपलाइन में आते हैं। सर आई लव यू। भाई प्यार करने से अगर कार आती है तो प्रॉब्लम क्या है। और एक बार ये कार वालों को सर, सेल्फी तो बनता है। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल, जो वेस्टीजन जो करना चाहते हैं वो कर ले, जो करना चाहते हैं जो नहीं लेकिन उतना करना चाहते हैं। अभी जैकेट से कोई सामने ना हो रहा, थैंक यू। और किसी का कोई काम नहीं है।